हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में जो डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें मल्टीटास्किंग में पहला डिफरेंस आपको दिया हुआ है, मल्टीटास्किंग अ सिंगल रिसोर्स इज यूज्ड टू प्रोसेस मल्टीपल टास्क। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग जो है एक सीपीयू या एक कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम में एक साथ प्रोसेस करने की जो प्रोसेस होती है उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम्स को रन किया जाता है, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन किए जाते हैं, तो इसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है द प्रोसेस रिसाइड्स इन द सेम सीपीयू। तो ये जो प्रोसेस है एक ही सीपीयू में परफॉर्म होती है। इसके मल्टी टास्किंग में क्या होता है, सेम सीपीयू में प्रोसेस होती है। इसके बाद मल्टी टास्किंग में द प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मेन मेमोरी में ये प्रोसेस होती है। इसके बाद इट इज सेम शेयरिंग एज द टास्क असाइंड स्विच रेगुलरली। तो इसके बाद यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग में दिया गया है इट यूज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द सीपीयू इज अल्टीलाइज्ड कम्प्लीटली विल एग्जीक्यूशन। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये जो है मल्टी प्रोग्रामिंग रन होती है। और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यह कॉन्सेप्ट जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है, ये जो है प्रोसेस करता है स्लोअर एज अ सिंगल जॉब रिसाइटिंग इन द मेन मेमोरी वेल एग्जीक्यूशन। तो आपको ये चार डिफरेंस याद कर लेने हैं, मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही